नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। ज्ञान व्यापी मामले में शुक्रवार यानी 2 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तब तक पूजा पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है और पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मामले पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमने 1991 में बने कानून पर भी ऐतराज जताया था कि इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। जहां बाबरी मस्जिद वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसा किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। कानून की किताबों को आग लगा दो, अगर यही चलेगा तो किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। लॉ आप क्यों पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान मुल्क की आजादी के बाद इस तरह के मसलों में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद के बाद कई मस्जिदों के मसलों में घिरा हुआ है। इस समय जिस तेजी से ये मसले उठे हैं, कोर्ट में ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादत गाहों पर कब्जा करने वाले सफल हो रहे हैं, फिर तो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचते। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। मौलाना ने कहा है कि अगर मुसलमानों की ये सोच होती तो हमें सभी मंदिरों को तोड़ दिया होता, तो मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचते। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया है, दूसरे पक्ष को बहस का मौका नहीं दिया गया। इंसाफ देने वाले इरादे को चोट पहुंचाई है। बाबरी मस्जिद के फैसले में ये कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, दलील के हिसाब से इंसाफ किया जाता है। आपसी दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वही नहीं तो देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। ये बात आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि 1991 का कानून अहम कानून है। इस कानून की सहायता से हम झगड़े बंद किए जा सकते हैं। इस कानून पर अगर मुल्क में ईमानदारी से फैसला नहीं लाया जाएगा तो देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए, अगर इससे भरोसा लोगों का उठ जाए तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। हम इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सही तौर से इसको कोर्ट में रखेंगे और सच्चाई सबके सामने आएगी। तो वहीं महमूद मदनी ने कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवालिया चिन्ह लग गया है। जिस तरह से एक तरफा तरीके से जाते जाते जज ने इस तर्क का फैसला दे दिया, फिर ऊपर से अदालतें तकनीक कारणों से दखल देने को तैयार नहीं, तो दूसरा पक्ष कहां जाएगा। ऐसी परिस्थिति है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना। बात इस तलक ना जाए कि खराबी तक चला जाए। बड़े संघर्ष से आजादी मिली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।